हेलो माय स्टूडेंट, क्लास फिजिक्स टॉपिक से है थर्मल फिजिक्स और उसके अंदर में है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड परफेक्ट गैस इक्वेशन और ये इसका क्वेश्चंस है। और क्वेश्चंस में दिया हुआ था सभी जगह सीपी सीबी करके, हम उसको चेंज कर दिए हैं थोड़ा, सीपी डैश और सीबी डैश लिख, बता देंगे क्यों सीबी डैश लिखे हैं। अभी आप लोग ट्राई करके देखिए कि कौन इसमें से सही है। तो ऐसा है कि इस क्वेश्चंस का वीडियो को रोक करके आप लोग पहले अपने ट्राई करिएगा और जब नहीं बनेगा तब ये जो सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ एनालिसिस के साथ समझने का प्रयास कीजिए। जानते हैं आप लोग कि सीपी माइनस सी बी आर होता है, इसको बोलते हैं मेयर्स रिलेशन। मेयर्स नाम है उनका जिन्होंने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था कि सीपी माइनस सी बी इक्वल टू आर। यहां सीपी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और उसी टाइप का जो सीबी है ये कहलाता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप जान रहे हैं कि जब कभी भी ये इस तरह का नाम आता है तो ये सीपी को अगर देखा जाए तो इसका कॉन्सेप्ट होता है डिफरेंशियल क्यू by n differentiability और यही वाला answers cp होगा। खाली यहाँ condition impose करना पड़ेगा कि ये जो amount of heat supplied किया गया है कब? At constant pressure और ये at constant volume। तो यहाँ पर bracket में लिख देते हैं at constant pressure और उसी तरह यहां भी लिख सकते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये एन ही शो कर रहा है मोल, ये शो कर रहा है केल्विन, ये कर रहा है शो जूल। तो इसके यूनिट जो हो जाएंगे जूल पर मोल पर केल्विन, इसका भी उसी तरह होगा। और यहां पर जो लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं है, तो दोनों में अंतर हो गया कि जिस समय स्पेसिफिक हीट होगा तो उस समय जो कंसेप्ट आएगा जिसको हम लिख रहे हैं सीपी डैश या सीवी डैश, तो उस केस में होगा डिफरेंशियल क्यू तो रहेगा, डिफरेंशियल टी भी वही रहेगा और एन के जगह आएगा W या स्मॉल m मास ऑफ द गैस, ये शो करेगा पर मोल और ये शो कर रहा है पर ग्राम। तो अब इसको बेसिक से कन्वर्ट करना पड़ेगा कि जो पर मोल होता है उसको अगर हम लोग पर ग्राम में कन्वर्ट करें तब वो CP और CP डैश का रिलेशन निकल जाएगा। तो देख सकते हैं कि जो भी सीपी है या सीबी है वो सॉल्व करने से आएगा एक बार मोल के लिए एक बार इसके लिए। तो देखा जाए कि सीपी का आंसर और सीबी का आंसर कितना होता है किसके लिए, नंबर ऑफ मोल के कॉन्सेप्ट के लिए।
और दूसरा सोचना है कि पर ग्राम क्या होगा। तो ऐसा सोचिए कि सेंस सीपी मीन्स मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो ये शो कर रहा है कि जो अमाउंट ऑफ हीट है वो पर मोल में है और पर केल्विन में है, तो ये हो जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन। मतलब फॉर वन मोल ऑफ गैस, वन मोल ऑफ एनी गैस, फॉर वन मोल ऑफ एनी गैस अमाउंट ऑफ हीट, amount of heat for one mole of any gas, amount of heat for unit change in temperature. मतलब एक मोल जब गैस लेंगे और अमाउंट ऑफ हीट सोचेंगे उसमें, और उसमें यूनिट चेंज कराना है टेम्परेचर में, तो उसी को सीपी बोलते हैं। मतलब सीपी जो है और कुछ नहीं है, वो अमाउंट ऑफ हीट यूनिट मोल के लिए यूनिट टेम्परेचर के लिए। यहां हो गया यूनिट चेंज इन टेम्परेचर आ गया, फिर चाहिए पर मोल तो एक मोल के लिए, और ये अमाउंट ऑफ हीट को ही सीपी बोलते हैं इसके डेफिनेशन से। तो गैस का जो भी मोल है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ है, तो लिख सकते हैं कि फॉर हाइड्रोजन गैस, या फॉर कॉमन कर देते हैं फॉर नाइट्रोजन गैस, क्या होगा कि एक मोल का मतलब कितना ग्राम हो गया, एम ग्राम। दिस इंप्लाइज फॉर एम ग्राम ऑफ एनी गैस अमाउंट ऑफ हीट फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सीपी। और यही सेम का सेम आंसर होगा, खाली एक मोल को मैंने एम ग्राम लिख, और इसी के बाद होगा कि अगर एक ग्राम होगा तो उस समय ये कन्वर्ट हो जाएगा सीपी बाय एम। और यही जो आंसर आ रहा है इसी को सोचा जा रहा है सीपी डैश। सिमिलरली आप सोच सकते हैं सी वी बाई एम इज इक्वल टू सी वी डैश। सी वी डैश मेरा शो कर रहा है कि अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड है एक ग्राम गैस के लिए एक डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए, और जो बिना डैश का है वो एक मोल का है। तो सोच लीजिए अगर एक मोल का हमको पता है सीपी या सी वी है, डिपेंडिंग वो कंडीशंस, अगर कांस्टेंट प्रेशर पर है तो सीपी लिखेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पर है तो सीपी लिखेंगे, और जैसे ही एक मोल को एम ग्राम लिखेंगे तो इतना हो गया। तो एक ग्राम जब लिखेंगे तो वो तो दिखाई देगा कि सीपी बाई एम, तो यही तो सीपी डैश बोला गया। और किताब कंफ्यूज करा दिया है, जो क्वेश्चंस है यहाँ भी सीपी लिख दिया, सीपी लिख दिया, और ए वाला लिख दिया वही सी पी सी बी, यहाँ भी लिख दिया, और हम लोग तो सी पी सी बी का एक रिलेशन जानते हैं। तो ये सी पी जो ओरिजिनल क्वेश्चन वो सी पी नहीं था, ये सी बी वो नहीं था,
इसीलिए हमने जानबूझ करके उसको सीपी डैश सीवी डैश कर दिया। और यहां से लॉजिक पता चल गया कि जो भी एंसर्स है वो दिखता है कि क्रॉस करने से सीपी क्या होगा, तो सीपी डैश इनटू एम और सीबी जो होगा सीबी डैश इनटू एम। तो इसके बाद का रिलेशन में अब फिर यहां से चलेंगे कि सीपी माइनस सीबी क्या है हमारा आर है, तो अब सीपी का वैल्यू यहां से बैठा देंगे, सीपी क्या होगा सीपी डैश इनटू एम, ध्यान लिख देंगे सीपी डैश इनटू एम। सीबी क्या करेंगे यहां से सीबी डैश इनटू एम, सीबी डैश इनटू एम और ये हो जाएगा आर। अब इसके बाद का स्टेप यहां दिखा देते हैं, तो आ जाएगा एम कॉमन और सीपी डैश माइनस सीबी डैश आर हो गया और एक डिवाइड हो जाएगा। तो इसके बाद का स्टेप और आगे लिख देते हैं कि सीपी डैश माइनस सीबी डैश इज इक्वल टू आर बाई एम, ये आ गया। यही आर बाई एम जो है मेन आंसर हुआ कि सीपी डैश माइनस सीबी डैश इज इक्वल टू आर बाई एम। तो यहां भी देख लीजिए करना क्या पड़ा, फाइनली केमिस्ट्री सोचने पर ऐसा मत सोचिए कि कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, कोई फार्मूला का उतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, बिना डीएसपी का अर्थात डेरिवेशन और फार्मूला का, डेरिवेशन के बाद उसका जो लास्ट का डेस्टिनेशन होता है और लास्ट में उसका कैलकुलेशंस होता है, तीन केस को डायरेक्ट आप लिख देंगे, मतलब बिना डेरिवेशन का फार्मूला असंभव है। तो इतना जो अभी काम किए ये क्या किए, डीएसपी काम का डेरिवेशन किए, तब इतना लॉजिक लगा, तब समझ में आया कि सीपी डैश और सीपी में क्या रिलेशन है, सीबी डैश और सीबी में क्या रिलेशन है। ठीक है, डेरिवेशन जब हो गया तो अब तो बड़ी आसानी से दिखाई दे रहा है कि सीपी बराबर एम इंटू सीपी डैश, सीपी बराबर इतना, लेकिन आया कैसे तो इतनी कहानी है। और वही आंसर जो है इस मेयर्स रिलेशन में पुट कर दिए, तो ये आंसर आ गया ड्राइव के बाद। तो अभी डेरिवेशन का पहला काम खत्म, अब दूसरा काम होगा, डेरिवेशन खत्म हो गया डीएसपी, तो अब सोचा जाए क्या करना पड़ेगा। तो डीएसपी ये लॉजिक है, डी माने डेरिवेशन, तो डेरिवेशन का काम कंप्लीट, एक काम कंप्लीट हो गया। अब आएगा सिनोप्सिस या फार्मूला, तो फार्मूला कौन हो गया, यही फार्मूला है और इसी फार्मूला को किताब जो लिखा है एक बार बोलता है ए है और एक बार बोलता है बी है। क्यों बोल रहा है, तो पहले हाइड्रोजन के लिए ए लिख दिया और नाइट्रोजन का बी लिख दिया, देखें कैसे, तो फॉर हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन आएगा तो सीपी डैश माइनस सीबी डैश आर वाई एम, आर तो हमेशा आर रहेगा लेकिन हाइड्रोजन गैस है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, दो होगा। और यही वाला आंसर को लिख रहा है ये लोग ए। इसके बाद फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं फॉर नाइट्रोजन, फॉर नाइट्रोजन, फॉर नाइट्रोजन गैस ये क्या है, N2 है, N का एटॉमिक वेट होता है 14 और एटॉमिक नंबर होता है 7, मॉलिक्यूलर वेट डायटॉमिक है N2, तो उस समय इसका आंसर हो जाएगा 28। तो यहाँ जाएगा CP डैश माइनस CV डैश बराबर R बाई एम, R तो R है, नीचे का M 28 हो गया। तो देख रहे हैं कि एक बार R बाई एम का आंसर किसी गैस ऑक्सीजन के लिए 2 आ रहा है और किसी गैस के लिए 28 आ रहा है, तो ये जो सीपी डैश माइनस सीबी डैश है आर बाई एम वो बदल रहा है मॉलिक्यूलर वेट की वजह से, जबकि इस रिलेशन में नहीं बदलता है। और इसीलिए ये वाला आंसर्स में
आप बोल सकते हैं इसको इसको बदल दिया तो इसको बी लिख दिया और इसको ए लिख दिया। तो अब देखिए जो यहां पर लिखा गया एक नंबर काम है डेरिवेशन। ये मत सोचिए कि खाली फिजिक्स में डेरिवेशन होता है, मैथ में भी डेरिवेशन होता है और केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री में भी डेरिवेशन होता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तभी इतनी सोचने की कैपेबिलिटी होगी और तब समझेंगे सीपी डैश और सीपी में रिलेशन, सीपी डैश और सीपी में रिलेशन। तो यही तरह जो किए हैं वो पहला काम किए हैं डेरिवेशन वाला, और यही करने के क्रम में डेस्टिनेशन के रूप में सिनॉप्सिस के रूप में फार्मूला आया। यहाँ पर सिनॉप्सिस ही यहाँ फार्मूला है, तो दूसरा काम फार्मूला कंफर्म हो गया कि दिस माइनस दिस आर बाई एम होता है। हाँ, अगर जिनको मालूम रहता कैसे मालूम चलेगा, अरे किताब में सोल्यूशन दिया रहता है, कोई भी बुक में आप सोल्यूशन देख लीजिएगा तो इतना आपका दिमाग दौड़ेगा ही नहीं, डायरेक्ट आप लिख दोगे कि आर बाई एम होगा। और उसके बाद तो एम का दो बैठेंगे बैठाएंगे और एक बार 28 बैठाएंगे तो ए वाला आंसर बदल गया, ये भी आंसर बदल गया आर बाई एम। एक बार मान लो ए आ गया, एक बार बी आ गया, वही तो यहाँ लिखा है ए और बी, और पता लगाना था कि ए और बी का रिलेशंस क्या है। तो जब इतना डीपली समझ में आएगा पहला काम डेरिवेशन तभी आप सोच सकते हैं। खाली हवा में उतना फार्मूला सोचिएगा बस वो हवा में ही रह जाएगा, जब जरूरत पड़ेगा कभी उसको सोच ही नहीं सकते। मतलब जितना लोग आईआईटी का तैयारी करते हैं समझिए एकदम छोटे 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 सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और जो अगर जेई मेन का तैयारी करते हैं तो थोड़ा उसे मोटे मोटे तैयारी की जाती है, और 11-12 में और मोटे मोटे तैयारी की जाती है। मोटे मोटे मैंने काम चलाओ, ठीक है। जितना लेवल बढ़ते जाएगा, जैसे 11-12 है कम लेवल है तो काम चलाओ पढ़ने से चल जाता है काम, ओके। और जब जेई मेन होता है तो थोड़ा डेप्थ में पढ़ा जाता है, और आईआईटी के लिए और डेप्थ में पढ़ा जाता है। तो जितना कोई भी चीज़ क्रिस्टल क्लियर है आप आईआईटी के क्लोज में है, और जितना आपका चीज़ कंसेप्ट क्लियर नहीं है उतना आईआईटी से पीछे, जेई मेन से पीछे और स्कूल के लेवल से भी पीछे। तो लास्ट में अब आएगा तीन नंबर में, वो क्या है, प्रैक्टिस कैलकुलेशन। तो हम लोग जा रहे हैं कैलकुलेशन करने के लिए कि ए का आंसर निकला आर बाई टू एक फंडा, और दूसरा निकला बी बराबर आर बाई 28। तो अब इन दोनों को सॉल्व कर दें तो सॉल्व करना आसान है, क्रॉस कर देंगे तो यहां आर निकल जाएगा 2a और यहां भी आर निकल जाएगा 28b। तो लिख देते हैं कि आया ए का आंसर, ए का आंसर आया यहां से सॉरी आर का आंसर आया 2a यहां से, और इससे निकला आर का आंसर 28b, और दोनों आर बराबर हैं तो 2a बराबर 28b, दो दो कट गया तो a बराबर 14b। अब ये देखेंगे हम लोग कि कहां पर ये a बराबर 14b है, तो ये तो दिख रहा है ऑप्शन बी में, तो लिख देंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहां लिख देते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अब जाकर के ये पूरा क्लियर कर दिए, समझा दिए, थोड़ा एक बार और शांति से सोचिएगा। हाँ, बहुत लोग इस फॉर्मूला को ऐसे भी सोचते हैं डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी, और तब बोलते हैं ये सी, लेकिन सही डेफिनेशन यही है, ठीक है। तो आप इसी को ही ज्यादा समझिए, और जब इसी को क्रॉस कर दीजिएगा तो क्रॉस करने से ही आंसर आ जाएगा डिफरेंशियल क्यू बराबर एन सी डिफरेंशियल टी। और जब कभी भी अमाउंट ऑफ हीट निकालना होगा तो इसको इंटीग्रेट और इसको इंटीग्रेट। तो हाई लेवल का क्वेश्चन जब रहेगा तो ये जो सी है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में वो बदलता है, और एन भी अगर किसी क्वेश्चन में बदलना हो तो दो दो वेरिएबल हो गया,
और दोनों वेरिएबल को फंक्शन ऑफ टी में कन्वर्ट कीजिए, दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई कीजिए, तब इंटीग्रेट होगा, तब आंसर निकलेगा डेल्टा टी। लेकिन अगर कहीं पर लो लेवल का क्वेश्चन है, जैसे एन कॉन्स्टेंट है बाहर कर दिए, सी कॉन्स्टेंट है बाहर कर दिए, तो एन बाहर हो जाएगा, सी बाहर हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा डेल्टा टी, इसका आंसर इतना है, तब उस समय ये आंसर होगा डेल्टा क्यू बराबर एन इंटू सी इंटू डेल्टा टी, तब उस समय ये फार्मूला करेक्ट है। तो ये है लो लेवल, ये है लो लेवल माने फालतू लेवल बोलो, और ये हाई लेवल है, यही सही है। इसलिए हमेशा इस डिफरेंशियल इक्वेशन से बनाइएगा, खासकर यूरोडॉक का क्वेश्चन, फर्स्ट अथॉरिटी से देखिएगा यूरोडॉक में कितना क्वेश्चन है, ओनली 36। और इस साल तो आईआईटी में जोड़ दिया है एंट्रॉपी, एकदम गारंटेड है कि इस साल आईआईटी के जेई एडवांस में एंट्रॉपी पर फिजिक्स में एक क्वेश्चन आना ही है, इसलिए वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जुड़ा हुआ है, तो इस साल जरूर आप लोग उसका क्वेश्चन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन बना लीजिएगा, जिसका एक ही फार्मूला है डिफरेंशियल एस इज इक्वल टू डिफरेंशियल क्यू बाई टी, और इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और स्टेट दिखा देंगे इनसे टू फाइनल, और डिफरेंशियल क्यू पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कि ये डिफरेंशियल क्यू होता है डिफरेंशियल यू डिफरेंशियल डब्ल्यू, इतना पुट कर दीजिए यूरोडॉक का सारा क्वेश्चन बन जाएगा एंट्रोपी का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और यूरोडॉक का क्वेश्चन बनाइए, जेई एडवांस का बनाइए, जेई मेन का बनाइए, और एनसीईआरटी बनाइए, लेकिन बिना देखे सारा चीज बनाइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और पूरे एकदम जबरदस्त प्रैक्टिस के साथ अपना भिड़े रहिए, लगे रहिए, और देखिएगा एक समय आएगा कि लेवल इम्प्रूव कर जाएगा, और हमेशा हमेशा प्रैक्टिस में रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी उत्साह के साथ फिर आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स में केमिस्ट्री में मैथ्स में जेई में जेड वन सभी के लिए इसी लेवल का और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देंगे, और कंटिन्यूस आप टच में रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके, गुड बाय, थैंक यू, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।